नमस्कार। सूर्य नंदी यूनिकम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसी हमें अभिनंदन की खड़ी में जैसे कि हम बात करते हैं तो आज हमारी क्या डेट हो गई है, आज हो गई हमारे पास 15 अप्रैल। क्या है 15 अप्रैल? 15 अप्रैल 2020। आज हमारे पास 15 अप्रैल 2020 है और आज जो समय चल रहा है हम सबकी ज़िंदगी में, वो जो समय है वो कैसा है, बहुत अजीब का टाइम चल रहा है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी उम्र में हम लोग ये सब देख पाएंगे, क्योंकि आज तक दादाजी से कहानियाँ सुनी, पर दादाजी ने कुछ बताया, पापा ने कुछ बताया, एक ज़माना था ऐसा हुआ, कर्फ्यू लग गया था, लेकिन आज हम लाइव उसको देख रहे हैं। उस लाइव की जब हम बात करें तो समय ऐसा आ चुका है कि हम सबको लड़ने की ज़रूरत है, यानी ये लड़ाई हर मानव की लड़ाई है, हर इंसान की लड़ाई है, हर मनुष्य की लड़ाई है। तो क्यों हम भूल जाते हैं कि ये लड़ाई किसी पर्टिकुलर एक पर्सन की नहीं है या दो पर्सन की नहीं है। हम जब बात आती है हमारे अधिकारों की तो बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, मुझे ये मूल अधिकार मिला हुआ है, मुझे ये मूल अधिकार मिला हुआ है। जिस संविधान ने आपको मूल अधिकार दिए हैं उसी संविधान ने आपको मूल कर्तव्य दिए हैं। आपको अपने मूल अधिकार तो याद रह जाते हैं बट मूल कर्तव्य नहीं। ये जो चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ मैं, ये इस पर्पज़ के लिए है कि जुडिशरी में तो आता ही आता है, लेकिन आज के समय जब मैं 15 अप्रैल 2020 की बात कर रही हूँ तो सिर्फ इसलिए आई हूँ कि जब हमें हमारे मूल अधिकार याद हैं तो क्यों हम अपने मूल कर्तव्य भूल रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि इन मूल कर्तव्यों को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं करा सकते, इसीलिए कर्तव्य भूल गए, और मूल अधिकारों को चैलेंज करवा सकते हैं, एनफोर्स करा सकते हैं, याद रह जाते हैं। आप लोगों ने अगर याद हैं, लॉ पढ़ा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ मुझे जो देखने वाले हैं लॉ स्टूडेंट ही होते हैं, तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जुरिसप्रूडेंस पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ आप लोगों ने टॉट भी पढ़ा था, यानी जिन्होंने पढ़ाई की है तो ये पढ़े हैं। जब हम जुरिसप्रूडेंस की बात करते हैं तो जुरिसप्रूडेंस में बताया गया है कि राइट्स ड्यूटी के बिना सर्वाइव नहीं होते और ड्यूटीज राइट के बिना सर्वाइव नहीं होती। अधिकारों के बिना कर्तव्य का कोई रोल नहीं है और कर्तव्यों के बिना अधिकारों का रोल नहीं है। ये हम पढ़ते हैं जुरिसप्रूडेंस में, जो आप भूल चुके हैं। साथ में पढ़ते हैं हम टॉट। टॉट ने भी एक चीज़ सिखाई है, उबी जस इमी रेमिडियम। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है और जहाँ अधिकार नहीं है वहाँ उपचार नहीं, अर्थात वो आपके लीगल राइट्स की बात करता है। ये दोनों के अलावा हमारे पास एक रोड और राइट्स हैं, वो है हमारा ह्यूमन राइट्स। तो क्या होता है ज़िंदगी में, जब जब हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं तो आप ह्यूमन राइट्स लेकर आ जाते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स लेकर आ जाते हैं। हमारा फंडामेंटल राइट डैमेज हो रहा है, हमारा ह्यूमन राइट्स डैमेज हो रहा है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। बट कोई नहीं है जो आपको आपके राइट्स एंड ड्यूटीज़ याद दिला सके, कोई नहीं है जो आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद दिला सकते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भैया अब इन सबको ये सब चीज़ें दिलाएंगे याद, इससे अच्छा हम कुछ करें, हमें आगे बढ़ना है, हमें इन पे नहीं लड़ना है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगी कि जहाँ आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए हमेशा तैयार एक्टिव रहते हैं तो आज समय है आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना। इस ड्यूटीज़ में लिखा हुआ है, जब जब देश आह्वान करेगा हम राष्ट्र की सेवा के लिए तैयार रहेंगे। राष्ट्र की सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप सीमा पर जाकर लड़िए। आज राष्ट्र की सेवा का मतलब, आज युद्ध में शामिल होने का मतलब है, ये युद्ध घर में बैठ के भी लड़ा जा सकता है, तो घर में बैठिए ना। कोई कहता है बहुत भूखे हैं, हमें भोजन नहीं मिल रहा है, कोई कहता है हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम गरीब हैं, आगे क्या होगा, कैसे सर्वाइव करेंगे। अरे भाई, पहले जीत तो ले, अगर हम जीवित रह गए तो हम सर्वाइव भी कर लेंगे। रही बात पैसों की, हम सबको पता है कि ये 15 दिन 20 दिन महीना, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना निकालने जितना हमारे पास है, उसके बाद हम फिर से काम करेंगे, फिर से रह लेंगे। जंगलों में रहने वाले भी तो जीते ही हैं, हम तो आराम से घरों में जी रहे हैं। और रही बात जो घर से बाहर बैठे हैं, देखो सरकार कर रही है, जितना एफर्ट कर सकती कर रही है, हम क्यों भूल जाते हैं भाई कि हम 1 अरब से भी ऊपर हैं। 10 जने हो तो ठीक है, परिवार में अगर 10 लोग हैं तो उनको थोड़ा सर्वे करने के लिए कर्ता को, जो मुखिया होता है, उसको भी थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन वही परिवार में 4 लोग हो तो आराम से कर सकते हैं। हम दूसरे देश का एग्जांपल देते हैं, भैया हमारा एक स्टेट के बराबर दूसरा देश है कम्प्लीट। तो क्यों बार बार भूल जाते हैं कि हमारे पास हमारी जनसंख्या उतनी है जितनी कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है। सरकार ने कई बार आपको समझाया है, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, लेकिन हम नहीं समझते हैं। मजबूरन सरकार को फिर से एक आर्टिकल लाना पड़ा, आर्टिकल 47A,
जिसमें आया है शॉर्ट फैमिली की नॉर्म्स के लिए। फिर क्या करे सरकार, हर किसी को तो नहीं रोक सकती। तो सरकार ने कहा भाई ठीक है, सरकारी नौकरियों में चुनाव में जो आएंगे वो दो बच्चे वाले। सरकार को क्या तकलीफ है, आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, आप 50 बच्चे पैदा कीजिए, सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। समय आज की जो घड़ी आई है, इस घड़ी के लिए सरकार ने पहले कई बार चेताया है, बट हम नहीं समझ पाते हैं। बस हमें अपनी ज़िंदगी में एक ही काम करना आता है, आलोचना 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 आलोचना। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है हमसे, हम एफर्ट करें सब कुछ हो जाएगा। सरकार कहती है कि भाई आपके आसपास जो गरीब है आप उनकी मदद करें, और कौन नहीं कर रहा है ये बताओ। आज के दिन हर इंसान दूसरे इंसान की मदद कर रहा है, नहीं कर रहा तो बताओ। फोटोज़ वीडियोज़ हम रोज़ देख रहे हैं और कर रहे हैं, जिसका जितना बनता है उतना वो कर रहा है। तो क्या हम खुद अपनी मदद ना करें, हम अपनी मदद कर ले, और अगर सारी पूरी की पूरी जनता ये सोच ले हम अपनी अपनी मदद कर ले तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। तो ये मूल कर्तव्य इस परिवेक्ष में बता रही हूँ जो 15 अप्रैल 2020 की स्थिति है। अब समय आ गया है हमें हमारे मूल कर्तव्य भी मूल अधिकारों की तरह याद होने चाहिए, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। सुख आता है पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाता है, तो दुख भी आया ये भी निकल जाएगा, और एक यही तो चीज़ है जो निकल जाएगी और निकल के ही रहेगी। अब देखिए हम लोग अपने घरों में बैठे थे, कब से 22 मार्च को हमसे कहा गया एक दिन का कर्फ्यू, देन 23 मार्च से 21 दिन के लिए कहा, और 14 अप्रैल आ गया, आया ना, पता ही नहीं चला। मैं ये नहीं कहती कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला, नहीं, जिनको रोटी नसीब नहीं हुई, जिनको खाना नसीब नहीं आया, उनके दिन बहुत बुरे निकले, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा हुआ है कि उनको नहीं मिला खाना, मैं मानती हूँ उस चीज़ को, एग्री करती हूँ, लेकिन कुछ एफर्ट हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अपने पास मैन पावर कम है और हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन ज़्यादा तो हमें एक्टिव होना है, पर एक्टिव होने के लिए इस तरह से नहीं कि हम भीड़ इकट्ठा कर लें। एक्टिव होने का मतलब है चीज़ें आप तक पहुँचेगी। राजीव गांधी, डॉक्टर राजीव गांधी कहा करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गलत वो निकल गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा करते थे कि जब ऊपर से पैसा आता है तो जनता तक पहुंचते पहुंचते 5% रह जाता है। इस चीज़ को हम सब ने सुना है, मैंने भी सुना ही है, देखा नहीं क्योंकि मैं थी नहीं उस समय दुनिया में, सुना था। वो समय आ गया ना जब आपको पता है, तो सरकार ने बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी कि अब जनता तक पहुंचने के लिए जो चैन उस चैन को थोड़ा डायरेक्ट जा रहे हैं, और हमारी इक्विटी कहती है जो अवेयर है कानून उन्हीं की मदद करती है। आप अवेयर होइए, आपकी मदद करने के लिए सब तैयार है, आप मांगिए और पहुंच भी रही है जहां जहां से डिमांड आ रही है। आपको सोचिए कि अभी जो समय है, इस समय के अकॉर्डिंग चाहे तो सरकार व्हाट्सअप बंद कर सकती है, फेसबुक बंद कर सकती है, फ़ोन बंद कर सकती है, इंटरनेट बंद कर सकती है। सरकार ने क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्हीं के थ्रू मिल रही है। बाकी इतने जो हैं मैसेजेस आते हैं जो गलत होते हैं, अनएथिकल होते हैं, फालतू अफवाहें फैलाने वाले होते हैं, तो सरकार को इन अफवाहों को रोकने के लिए क्या कर सकती थी, व्हाट्सअप बंद, फेसबुक बंद, लेकिन क्यों नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि अगर कोई हमसे अपील कर रहा है डायरेक्ट तो फ़ोन नहीं कर सकता, फ़ोन करेगा तो फ़ोन बिजी आएगा, तो शायद इस वे से जो चीज़ें आएगी हम तक तो पहुँच ही जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी, पहुंच जाएगी ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन तक पहुंच रही है इनके माध्यम से, इन्होंने बंद नहीं कराया है, ये आप ही के लिए सब कुछ रख रखा है ताकि आप अपील कर सकें, और आपकी अपील को सुनने के लिए हर कोई प्रयास कर रहा है। आप चलिए, सरकार तो बहुत दूर बैठी दिल्ली, आप देखिए गाँव के अंदर सरपंच साहब जो हैं, हर सरपंच अपने गाँव के लिए मदद कर रहे हैं, हर सरपंच अपने गाँव के लिए मदद कर रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं पैसे, जा के दे रहे हैं। यहाँ फिर एक नेगेटिव क्या हो रहा है, जिसने ले लिया वो और ले लेके इकट्ठा कर रहा है, तो फिर हो गई ना गड़बड़, जिसने ले लिया है वो फिर से ले रहा है। एक ऑफिसर से मेरी बात हुई, उसने कहा मैम हम बांट रहे हैं, लेकिन खेद इस चीज़ का है कि जिनको हमने कल दिया वो कल से बड़ा पात्र लेके आ जा गए, अभी तक कल वाला ख़त्म ही नहीं हुआ है, यानी ले लेके इकट्ठा स्टोर कर रहे हैं, कल क्या होगा। तो फिर ये स्टोर कर देंगे तो बाकी लोगों के तो जाएगा नहीं, और ये दुनिया की हकीकत है कि जो वाकई गरीब हैं वो कभी मांगने नहीं आता है, उसको पता है ऊपर वाले ने मुझे जैसा कहा है वैसा मैं जी लूँगा, मैं अपना एडजस्ट कर लूँगा। तो फिर जब बात आई कि आप अपने अड़ोस पड़ोस के गरीबों की मदद कीजिए, आप कौन ये तो बताए नहीं, आप हम यानी अमीर मिडिल क्लास लोअर क्लास, आपका मतलब है आप जो भी हैं, आपके पास जितना सामान है आप ले लीजिए, बाकी दूसरों को देने के लिए रख लीजिए। नहीं हो रहा है, अब एक और प्रॉब्लम चल रही है, लोअर क्लास को सरकार मदद कर रही है, अपर क्लास के पास सब कुछ, मिडिल क्लास कहती है हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही सरकार।
अरे भाई सरकार सबके लिए कर रही है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, सरकार को किसी क्लास से मतलब नहीं है। सरकार ने ये समझ लिया कि मेरे यहाँ पर एक भी जनता भूखे नहीं रहनी चाहिए। वो अपने एफर्ट दिनों दिन कर रही है और ये एफर्ट दिनों दिन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन उस एफर्ट को पहुँचने का वे नहीं समझ आ रहा है। रीज़न सिस्टम नहीं है इंडिया में, ये हम सबको ही पता है, ये आज की बात तो नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। और सिस्टम बिगाड़ा किसने? जनता ने। आज जनता सब कुछ भूल गई, आज उनको सिर्फ दिख रहा है कि अधिकारी कुछ नहीं करे। आपको पता है अधिकारी, एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि हम जाते हैं सुबह से शाम तक सर्च करने के लिए कोरोना वायरस किस में है या नहीं है, और हम सिर्फ ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और शाम तक हमें चाय भी नसीब नहीं होती, खाना तो बहुत दूर की बात है। और वो कौन है? नर्सिंग स्टाफ, और वो भी कौन सी नर्सिंग, जो स्टूडेंट हैं। बताओ, हम बात कर रहे हैं हमें खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, वो जान हथेली पर लेकर जा रहे हैं सिर्फ एक ब्रेकफास्ट के ऊपर। पूरा दिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है आप कुछ खाएंगे क्या, और कल को उनको कुछ हो गया, कोई जिम्मेदार है? बट वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जब वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं तो हमें अपना कर्तव्य निभाने में तकलीफ क्यों है? आज हमारा कर्तव्य हम अपने घर पर रहे, ना हम बाहर जाए, ना चिक चिक होए। सेकेंड आता है, कोई बीमार है बताना नहीं चाहता, क्यों? ऐसा क्या, ये एक बीमारी ठीक होने लायक है? ठीक हो जाओगे आप। कुछ लोगों को पता ही नहीं हमें है या नहीं है। जहाँ भी थोड़ा सा भी डाउट हो अपने आप को अलग कर दो, नहीं पता ना आपको तो आप किसी से मिलो ही मत ना। आपको नहीं पता ना, मुझे नहीं पता मुझे है या नहीं है, मैं अपने घर में बैठी हूँ, मैं किसी से मिलूंगी नहीं, ना मुझे पता मुझे है या नहीं, ना सामने वाले को होने दूंगी मैं। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं, कितने दिन की बात। यदि हम पिछले 21 डेज में ढंग से रह जाते तो आज ये आपत्ति नहीं आती। अभी भी समय है, अभी भी 3 मई तक हम रह ले, आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक नहीं जाना है। हमें अगर ये लगता है कि भैया हमारे सारे काम रुके हुए हैं तो हम थोड़े दिन के लिए रुक जाते हैं घर पर, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस चीज़ को हम समझना ही नहीं चाहते। और एक चीज़ का टाइम होता है, टाइम के साथ चीज़ें खुद ही खत्म हो जाती है। ना आप कुछ सोच पाते हैं, ना हम सोच पाते हैं, चीज़ें आती हैं, जाती हैं, चलती रहती हैं। चलिए, तो ध्यान रखिए, आप भी ध्यान रखेंगे, हम भी ध्यान रखेंगे, हम सब भी, हमारा भी, हमारे आसपास का भी, ताकि इस दुखद घड़ी में सुखद घड़ी को लाने के लिए मिलजुल कर एक हो जाए। और जिस तरह से सुख निकल जाते हैं दुख भी निकल जाएंगे, और दुख निकल जाएंगे तो सुख भी आ जाएंगे। तो ये सब देखते, और दिन के 24 आवर को समझने की कोशिश कीजिए। आज आप घर में बैठे हैं, 24 आवर को कोशिश कीजिए, कब सुबह हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, कैसे निकल गया पता ही नहीं चलता है। आप उन ऑफिसर्स को देखिए जो घरों से बाहर बैठे हैं सुबह से शाम तक, जो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, जो अपने परिवार से नहीं मिल पा रहे, दूर से देखकर खुश हो जाते हैं, उनको ये डर लगा रहता कहीं मुझे हुआ तो इनको ना हो जाए, उनका त्याग देखिए। पर नहीं, हमें तो उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने गलत कर दिया। अरे भैया अच्छा ही देखना स्टार्ट कर दो, गलत खुद ही दिखना खत्म हो जाएगा। ज़िंदगी में दूसरों में अच्छाई ढूंढना शुरू करो, बुराइयाँ खुद ही खत्म हो जाएगी। तो चलिए उस अच्छाई और बुराई को ख़त्म करते हुए हम चलते हैं। हमारे ये जो टॉपिक था, जो भी मैंने बोला था, वो था आज के परिवेश में इस दिन घड़ी को जीने का। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे जुडिशियल एग्ज़ाम का है। कौन से जुडिशियल की एग्ज़ाम आएगी? मैं अक्सर लिखती हूँ ऑल इंडिया जुडिशियल की प्रिपरेशन, ऑल इंडिया जुडिशियल की प्रिपरेशन मतलब एवरी स्टेट, क्योंकि अभी IJS इंडियन जुडिशियल सर्विसेज आएगी, समय है, आएगी तब आएगी। फिलहाल हर स्टेट की बात कर रही हूँ, कितने स्टेट हैं? 28, कुछ स्टेट के कॉमन होते हैं, तो ये वो सब आ गए, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, MP, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, फिर आता है हमारे पास महाराष्ट्र, फिर आता है हमारे पास केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, ऐसे करके बहुत सारे स्टेट है। तो ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो सभी स्टेट में आते हैं, पहला। सेकंड, और कहाँ आता है ये? जूनियर लॉ ऑफिसर, APO के एग्ज़ाम में कहीं कहीं आता है, कहीं कहीं नहीं आता है, RS के एग्ज़ाम में, IAS के एग्ज़ाम में, या छोटे मोटे जितने एग्ज़ाम उसके GK का क्वेश्चन है। यानी आज जो मैं टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ वो बहुत सारी चीज़ों को कवर करने वाला है। इन सब बहुत सारी चीज़ों को जब कवर करने वाला है तो ये टॉपिक आखिर है क्या, इस टॉपिक में ऐसा क्या है जो सभी चीज़ों को कवर करते हुए जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। नाम है इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़, हिंदी में कहते हैं इसको मूल कर्तव्य। ये मेरे
मूल कर्तव्य हैं, इनको फोर है बीच में जोड़ा गया है, यानी स्टार्टिंग में नहीं था हमारे साथ, बीच में जोड़ा। कब जोड़ा गया इनको? 42nd अमेंडमेंट 1976। ये जो 42nd अमेंडमेंट 1976 है, इसे क्या कहते हैं? इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्या कहा? कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने सारे अमेंडमेंट हुए, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट है, इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर एक सवाल आता है, तो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। ड्यूटीज से पहले हम पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट्स, 12 से लगा के 35, और देन हम पढ़ते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल पब्लिक पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं DPSP, 36 से लगाकर 51। उनके बाद आता ड्यूटीज। तो पहला 42nd अमेंडमेंट क्योंकि बीच में है तो जोड़ा गया है। सेकेंड आता है, कौन सी कमेटी से जोड़ा गया है? तो आता है आपके पास स्वर्ण सिंह कमेटी से। किससे जोड़ा गया? स्वर्ण सिंह कमेटी, गोल्डन लॉयन कमेटी नहीं बोलेंगे इंग्लिश में, वो गोल्डन लॉयन कमेटी, क्योंकि हिंदी वाले ना स्वर्ण गोल्डन सिंह लॉयन कमेटी नहीं, स्वर्ण सिंह कमेटी ही है ये, ठीक है। चलिए, तो 42nd अमेंडमेंट है, आया कहाँ से था ये? सोवियत रूस। अब इसे अपन कहते हैं रशिया। कहाँ से आया? रशिया। अभी जूनियर लॉ ऑफिसर का एग्जाम हुआ था राजस्थान में, तब ये पूछा गया था कि इसको कहाँ से लिया गया। यानी जब भी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन हर बार आते रहता है कि किस टॉपिक को कहाँ से लिया गया, तो ये तो आपको हमेशा पता होना ही चाहिए। तो तीन चीज़ें इसकी पता चली, 42nd अमेंडमेंट में आया, सोवियत रूस रशिया से लिया गया, और गोल्डन लॉयन कमेटी नहीं स्वर्ण सिंह समिति से इसको लिया गया था। कितने हैं ये? 51A। टोटल कितने हैं? ए से के। जब इसको लिया था 42nd अमेंडमेंट में, क्या कहा? जब इसको अपन ने 42nd अमेंडमेंट में लिया था तो कितने लिए थे? ए से लगाकर जे तक। तो इस के को कब लाए? तो इस के को हम लेके आए 86th अमेंडमेंट 2002 को। क्या कहा? इस के को कब लेकर आए? इस के को हम लेकर आए थे 86th अमेंडमेंट 2002 को लेकर आए। जब 86th अमेंडमेंट की बात आती है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन आर्टिकल जोड़े गए थे। कितने? तीन। पहला 51K, तो ये आपके सामने है ए का के। फिर आता है हमारे पास 21A, और देन 45 को सब्स्टिट्यूट किया गया। ये तीन है क्योंकि तीनों ही बच्चों से रिलेटेड है। एक कहता है कि बच्चों को शिक्षा देना उनका फंडामेंटल राइट है, दूसरा कहता है पॉलिसी कि सरकार की ड्यूटी है कि बच्चों के फ्री में एजुकेशन की व्यवस्था करें, और तीसरा कहता है कि भैया माता पिता की ड्यूटी है बच्चों को भेज तो दे। यानी सरकार ने पॉलिसी बना दी, मूल अधिकार ने अधिकार दे दिया, लेकिन इन सब के ऊपर कर्तव्य फिर से आ गए। कर्तव्य कि सरकार ने कहा शिक्षा फ्री, बेचारी सरकार ने शिक्षा फ्री के लिए व्यवस्था भी कर दी, लेकिन माता पिता बच्चों को भेजेंगे नहीं तो शिक्षा देंगे कैसे? तो फिर एक प्रोविजन यहाँ जोड़ना पड़ा कि पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है कि वो बच्चों को वो सेवाएं लेने के लिए भेजते हैं। चलिए, तो ये तीन चीज़ें थी जो प्री के एग्जाम में आती हैं। अब क्या होता है कि ये जो मेन का एग्जाम में भी आता है ना, अब आपने बहुत बार इसको पढ़ा बट हुआ क्या, ये याद नहीं होता है। ये टूटा फूटा याद होता है, थोड़ा बहुत याद हो जाता है, फिर आपको पता है ए से क्या लिखना है, तो फिर आप पॉइंट बना लेते हो एग्जाम में। क्या कहा मैंने? एग्जाम में जैसे तैसे करके पॉइंट बना ही लेते हो कि भाई कितने पॉइंट थे, कि ए से लगा के तक कुछ भी करके ए से के बना लोगे। तो अपन एक काम करते हैं, आज उसे ए से के को याद ही कर लेते हैं तो बनाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे दो तीन चीज़ें हैं जो प्री के एग्जाम में आती हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि वो सवाल किसका है। जैसे कि एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है कि फीमेल की अगेंस्ट जितनी भी हमारे क्या चलती हैं, कुरीतियाँ चलती हैं, गलत कस्टम्स चलते हैं, जैसे कि दहेज प्रथा, क्या बोलते हैं, पर्दा प्रथा, क्षति प्रथा, उन सबको ख़त्म करने की बात कहाँ कही गई है? महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट जितने भी हमारे कस्टम्स चलते हैं उन कस्टम के बारे में कहाँ गए, कस्टम यूजर्स कहेंगे वो कहाँ ख़त्म करने के लिए कहा गया है? फंडामेंटल राइट्स में कहा गया है ख़त्म करो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कहा गया ख़त्म करो, फंडामेंटल सॉरी DPSP में कहा गया, DPSP में कहा गया है, और डी कहता है बी एंड सी दोनों में कहा गया है, और ई कहता है ए बी और सी तीनों में कहा गया है। क्या सवाल था हमारा? सवाल था कि महिलाओं की डिग्निटी के अगेंस्ट जो भी हमारे प्रथाएं बनी हुई हैं उन प्रथाओं को ख़त्म करने की बात कही गई है ए फंडामेंटल राइट्स में, बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में,
सी डी पी एस पी में, डी बी और सी दोनों में, और ई ए बी सी तीनों में। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दूंगी, तब तक आप सोच के रख लीजिएगा। ठीक है, ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास, एनवायरनमेंट की बात करते हैं। क्या कहते हैं एनवायरनमेंट? हम सरकार की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट के लिए, सरकार की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसीज बनाए। ये बात कहाँ गई, कही गई है? ए फंडामेंटल राइट्स में, बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और डी बी एंड सी दोनों में, और ई ए बी और सी तीनों में। यानी ऑप्शन सेम ही थे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी। क्या सवाल था? स्टेट की ड्यूटी है कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉलिसी बनाता जाए, ये बात कहाँ लिखी गई है? ए फंडामेंटल राइट्स में, बी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, डी बी और सी दोनों में, ई ए बी और सी तीनों में। इसका आंसर भी मैं आपको दूंगी इस वीडियो के लास्ट में, तो इन दो के आंसर आप सोच के रख लीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से आते रहते हैं। मेन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह से हमें भारत के संविधान के प्रीएम्बल याद है, वैसे हमें हमारे ड्यूटीज़ भी याद करनी है। अगर आपको भारत के संविधान के प्रीएम्बल याद नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल याद नहीं है, कोई बात नहीं, आज जब ये वीडियो आप देख लेते हैं, देखने के बाद आप क्या करेंगे, सेम डे आपको याद करनी है। दूसरी बात, स्पेशली राजस्थान जुडिशरी वाले, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करें प्रीएम्बल, क्योंकि ऐसे राइटिंग में उनकी काम आएगी। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इंग्लिश वालों को इंग्लिश में आती है, हिंदी वाले दोनों कर लेते हैं, इंग्लिश वालों को हिंदी में नहीं आती, और कर ले तो हिंदी ऐसे राइटिंग में एक काम तो उनका 600 हो जाएगा। दूसरी बात, हिंदी इंग्लिश हर स्टूडेंट को आनी चाहिए दोनों में। रीज़न बताती हूँ, कभी आपको मौका मिला लीगल एड में काम करने का, आप किसी स्कूल में गए, मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं, और आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाने का मौका मिला, और वहाँ जाके आप इंग्लिश में प्रीएम्बल बोल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि देखो नौकरी तो आपकी कहीं भी लग सकती है, किसी भी एरिया में लग सकती है, इंटीरियर एरिया में लग सकती है, और वहाँ आप इंग्लिश में बोलोगे तो बच्चों के लिए वो ताली बजाएंगे, खुश हो जाएंगे, वाह मैम ने कितना बढ़िया बोला, वाह सर ने कितना अच्छा बोला, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया। तो आपको इसलिए दोनों भाषा माना चाहिए कि जैसा देश वैसा भेष। यदि आप बार काउंसिल की किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप इंग्लिश में बोलिए, लेकिन आज किसी गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं लीगल एड के लिए, क्योंकि आप जज बन जाएंगे तो लीगल एड के प्रोग्राम में आपको जाना होता है, और वहाँ पर जब आप उसको हिंदी में बोलेंगे तब सोचिए ना उन बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। तो दो चीज़ें हैं, ऐसे राइटिंग पर्पज़ के लिए, और आप कभी किसी मीटिंग में जाते हो तो आपको दोनों लैंग्वेज में आनी चाहिए। याद करना बहुत ईजी है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निर्मित लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कितना इजी, पहले समाज आया, देन अर्थ दिया, फिर हमारी राजनीति स्टार्ट हुई, मनी होगी तो पॉलिटिकल स्टार्ट होगी। तो न्याय कितने, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, फिर आता है विचार, विचारो फिर अभिव्यक्त करो ताकि लोग आप पर विश्वास करें और आपके धर्म की उपासना करें। तो क्या कहा, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म की उपासना की स्वतंत्रता। अब हमें क्या चाहिए, प्रतिष्ठा और अवसर। जिंदगी में स्टेटस होगा तो अपॉर्चुनिटी खुद ही मिल जाएगी। पहले क्या था, पहले स्टेटस होगा तो अपॉर्चुनिटी मिलती, अब ज़माना बदल गया, 2020 चल रहा है भाई, 2020 है, अब वो बातें खत्म हो गई। तो क्या कहा, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ये दो लाइन बहुत वैल्यू रखती है आज के दिन में, भूल गए सब जने। क्यों, ऐसे सब चीज़ें याद हैं, लेकिन व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता कहाँ चली गई, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एतद द्वारा अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और आत्मापृत करते हैं। इतनी अच्छे अच्छे शब्द इसमें लिखे, उनका जो मीनिंग है इतना शानदार मीनिंग है, आज समय है इसको अपनाने का, हम क्यों भूल जाते हैं, नहीं समझ में आता है। फिर इसमें 5 शब्द थे, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो क्या कहा, हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, आज हमारे ऊपर किसी तरह की, किसी का कोई भी बाउंडेशन नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं, हम फ्री हैं। समाजवादी, हमारे यहाँ की सभी जनता को
इकोनॉमिकली इक्वल राइट दिया जाना चाहिए, सबके पास इकोनॉमिकली इक्वल साधन होने चाहिए। देन आता है हमारे पास समझे पंथ निरपेक्ष, इंडिया का अपना कोई एक धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को सम्मान देता है। देन आता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतंत्रात्मक जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जो सरकार की हम बात करें, चुना हम नहीं हैं, वोट हमने ही नहीं दिए, हमने ही दिए हैं। कई लोग वोट नहीं देते, आज उनको वो अपनी वोट का अहमियत समझ में आया, और जो देते हैं उनको तो हमेशा समझ में आता है। देन गणराज्य, यहाँ का जो राजा है वो वशानुगत नहीं है, अर्थात उसको हमने चुना है, तो इसलिए कहते हैं वोट दीजिए जो आलोचनाएं करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, जिस हम संपन्न परिवार की हम बात करते हैं, आधे वही है जो वोट देने नहीं आते हैं, होता है ऐसा, कई बार होता है। चलिए, तो इस प्रियम्बल की अहमियत को याद समझिए, इसको समझिए और याद भी कीजिए। याद क्यों करना है, एग्ज़ाम में लिखने के लिए। समझना क्यों है, जीने के लिए और सबको जीने देने के लिए, ठीक है। चलिए, तो वहाँ पर प्रियम्बल जब आपकी याद है, तो आज हम इसको भी याद करते हैं। याद करने के लिए मैंने कुछ की पॉइंट लिखे हैं, ये की पॉइंट मैंने बैरिक से लिखे हैं, कहीं बाहर से नहीं लिखे हैं, तो इसको करते हैं। जुडिशरी के एग्ज़ाम की मैं बात करती हूँ, और उन जुडिशरी के एग्ज़ाम की जिनमें जीके जीएस नहीं आता, उन जुडिशरी वालों को सिर्फ और सिर्फ प्रियम्बल, सॉरी प्रियम्बल क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का बैरिक पढ़ना भी सफिशियंट है। क्या कहा कि जिन जुडिशरी के एग्ज़ाम में जीके जीएस नहीं आता, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन बैरिक पढ़ना ही सफिशियंट है, उनको बैरिक से बाहर किसी बुक्स को लेना या किसी कमेंट्री को लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रही बात केस लॉज की, वो तो आपको वैसे ही पता है, केस लॉ तो चाहिए चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 21 तो दो लाइन में है, तो केस लॉ तो लेने पड़ेंगे। मेरा मीनिंग है लॉ आपको सिर्फ बैरिक से पढ़ना है, केस लॉ आप ऐड करते जाइए। लेकिन जिन जुडिशरी के एग्ज़ाम में जीके जीएस आता है, उनको फिर इसके साथ साथ दूसरी बुक्स भी पढ़नी होती है, हिंदी वालों को हिंदी के लिए, इंग्लिश वालों को इंग्लिश के लिए। आइए फंडामेंटल, अब यहाँ क्या गड़बड़ की, ए बी सी डी से है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ए बी सी डी भूल जाते हैं, तो अपन इसको अपने याद करने के लिए 1 2 3 कर देते हैं। मान लीजिए भूल जाते हैं, लेकिन अपने याद करने के लिए, एग्जाम में तो वही याद रहता है, पर एक बार याद तो करना भी जरूरी है ना। 10 11 यानी टोटल कितने हैं ये, 11। 42 में कितने जुड़े गए, 10। एक कब जुड़ा गया, 86th अमेंडमेंट में, ठीक है। तो ये टोटल 11 है। सबसे पहला आता है टू अबाइड, क्या करना है अपने को करना है, हमारे संविधान का पालन करें, तो आता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला आता है संविधान की पालन करें, तो पहला की पॉइंट क्या हो गया, संविधान का पालन करें, हम सबको करना है, हम सब बड़े बच्चे हैं। अगर की पॉइंट हमारे पास है तो सबसे अच्छी बात क्या है, हम आगे का सेंटेंस पूरा कर सकते हैं। लेकिन की पॉइंट नहीं है तो फिर हम अपनी मर्जी से लिख के आएंगे, कॉलेज में यही क्या हमने क्या लिखा हमें नहीं पता, बट हमने जैसे तैसे करके 11 पॉइंट बना दिए, अब वो 11 पॉइंट हमें नहीं बनाने हैं। तो सबसे पहला क्या है, संविधान की पालन करें, टू चेरिश एंड फॉलो द नॉवल। और सेकंड कहता है कि आपके पास कि स्वतंत्रता के लिए हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। तो पहला टू अबाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा टू चेरिश एंड फॉलो द नॉवल, तीसरा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। क्या कहा कि हमारे यहाँ की संप्रभुता, अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखें। ये तीन वर्ड हम कहाँ पढ़ते हैं, ये तीनों वर्ड हम पढ़ते हैं प्रियम्बल में, कहाँ पढ़ते हैं प्रियम्बल में। तो पहला क्या कहा, संविधान का पालन करें। दूसरा क्या कहता है हमारे, संविधान के पालन के साथ स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें। और तीसरा कहता है कि हमारे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा कहता है टू डिफेंड द कंट्री, क्या कहा, हमारे यहाँ के देश की रक्षा करें, क्या करें, देश की रक्षा करें। पहला टू अबाइड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा टू चेरिश एंड फॉलो द नॉवल, तीसरा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, और चौथा टू डिफेंड द कंट्री, समय आ गया है कंट्री को डिफेंड करने का। पांचवा कहता है टू प्रमोट हारमोनी एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी, क्या कहा, तुम हारमोनी को प्रोटेक्ट करो और महिलाओं से रिलेटेड जो भी हमारी, क्या कहा, महिलाओं से रिलेटेड जो भी हमारे यहाँ पर कुरीतियाँ हैं उनको खत्म करें। तो आया आपका पहला क्वेश्चन का रिप्लाई, पहला क्वेश्चन क्या था कि महिलाओं के विरुद्ध जो कुरीतियाँ चल रही हैं उन कुरीतियों को ख़त्म करने की बात कहाँ दी गई है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में,
ना तो राइट्स में लिखा है और ना ही फंडामेंटल क्या बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है, ये लिखा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो आते हैं वापस अपने पास, पहला पहला कहता है देश की संविधान का पालन करें, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें, तीसरा प्रभुता एकता अखंडता को अक्षुण रखें और चौथा देश की रक्षा करें, पांचवा भारत के लोगों में समृद्धता रखें और साथ ही साथ महिलाओं की रुचिवादी प्रथाओं का त्याग करें। इंग्लिश में टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडल्स, तीसरा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, चौथा टू डिफेंड द कंट्री और पांचवा टू प्रमोट हार्मनी एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन, डिग्निटी ऑफ वीमेन। तो पांच हो गए। नाउ सिक्स्थ कहता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा को समझे, तो हमारी संस्कृति का वैल्यू समझे और गौरवशाली परंपरा को बनाए रखें। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज, जो हम भूलते जा रहे हैं। और देन आता है नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रकृति के पर्यावरण का संरक्षण करें। और यही प्रकृति का पर्यावरण हम और कहाँ पढ़ते हैं, ऑब्लिक करके लिखिए आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48A क्या है हमारे DPSP से लिया गया है, 48A कब जोड़ा गया है। अब अगला सवाल आता है 48A कब जोड़ा गया है, तो वो भी हमने 42nd अमेंडमेंट से ही जोड़ा है, 1976 से ही जोड़ा है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, पहला टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल, तीसरा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, ई टू प्रमोट हार्मनी एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन, एफ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द हिज रिच हेरिटेज, और जी कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट। उसमें क्या क्या इंक्लूड है, सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। और ये जब नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं और एनवायरनमेंट को आप डैमेज करते हैं तो उसको कहते हैं पब्लिक न्यूसेंस। क्या बोलते हैं, पब्लिक न्यूसेंस। और ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, IPC में सेक्शन नंबर 268 बताता है पब्लिक न्यूसेंस क्या है। और हम कहाँ पढ़ते हैं पब्लिक न्यूसेंस, CPC में सेक्शन नंबर 91 में। और हम कहाँ पढ़ते हैं पब्लिक न्यूसेंस, CRPC में 133 में। यानी इसके लिए हमारे पास इतने सारे प्रोविजंस हैं कि हमें हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा रखना है, और नहीं रखते तो हमारे पास पब्लिक न्यूसेंस को ब्रिज करने के लिए तीन तीन कानून हमारे पास दिए गए हैं। देन आता है डेवलप साइंटिफिक टेंपर, और हमारा काम क्या है, साइंटिफिक टेंपर को डेवलप करना, वैज्ञानिकवाद मानववाद को आगे बढ़ाना। पहला टू अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल, तीसरा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, चौथा टू डिफेंड द कंट्री, पांचवा टू प्रमोट हार्मनी एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन, सिक्स टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द हेरिटेज, सेवन कहता है नेचुरल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना, और एट कहता है डेवलप साइंटिफिक टेंपर। नाउ नाइन कहता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफ रखना हम सबका ड्यूटी है, और इसके लिए हमें बाउंड भी किया गया, कहाँ पर, CRPC के अंदर सेक्शन नंबर 37 का भी पढ़ना, वहाँ लिखा है पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें ध्यान रखना है, अगर कोई इसको डैमेज करता है तो हमें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, किसकी, पुलिस की, मजिस्ट्रेट की। तो CRPC सेक्शन 37 देखना, हमें बाउंड भी किया गया है। देन आता है 10 इंडिविजुअल एंड कलेक्टिवली एक्टिविटी करना, हमें सामूहिक गतिविधियाँ करना जिससे हम अपने देश का विकास कर सके और लोगों को आगे बढ़ा सके, तो हमें सामूहिक गतिविधियाँ करनी है। पहला आता है टू अवॉइड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा आता है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल, तीसरा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, डी द डिफेंड द कंट्री, ई टू प्रमोट हार्मनी एंड डिग्निटी ऑफ वीमेन, एफ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज, जी टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, एच टू डेवलप द साइंटिफिक टेंपर, आई टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, एंड जे टू कहता है हमें कलेक्टिवी गतिविधियाँ करनी चाहिए। और लास्ट ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियन, क्या कहा भैया, आती सबसे बड़ी खतरनाक बात कि भैया पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, 6 से 14 साल के बच्चों को तुम स्कूल भेज दो ताकि हम उनको शिक्षा दे सकें। 21AB कहता है 6 से 14 साल के बच्चों को हम क्या करेंगे, फ्री में शिक्षा देंगे। और जबकि 45 कहता है 6 से कम वाले बच्चों के लिए व्यवस्था की जाएगी, जैसे आंगनवाड़ी वगैरह चलती है। तो ये 11 है। तो वैसे तो आपने इस 11 को कई बार पढ़ा, कई 11 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज आप इसको क्या करेंगे, इसके साथ याद कर लेंगे, क्योंकि जैसे बताया हम बड़े बच्चे हैं, बच्चे तो हैं पर बड़े बच्चे हैं, तो अगर हमारे पास की पॉइंट है तो
तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डिटेल में लिख सकते हैं। साथ ही साथ क्या देखा हमने कि 2G से क्वेश्चन आता है, एनवायरनमेंट को लेके आता है हमारे पास क्वेश्चन, और कहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है, 2K को आता है, कब जोड़ा, 86th अमेंडमेंट में, और हमारे पास कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, डिग्निटी को लेके फीमेल को, यहाँ से आ जाता है। तो तीन क्वेश्चन तो हमारे सामने ही हैं जो हमें बात करते हैं हमारे प्री एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और अपने आप में मेन का एग्ज़ाम पूरा ही 11। तो यहाँ अब भूलना नहीं है, और यहाँ पर कॉलेज में जैसे हमने एक ही पॉइंट के 6 पॉइंट बनाए, अब वैसे नहीं करना है। ये जुडिशरी का एग्ज़ाम है, और ये सबसे अच्छी बात क्या है, एकदम सीधा सेट क्वेश्चन है, तो आंसर भी देना ईजी है। उस आंसर को लेने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 6-11 की पॉइंट याद रखना है, और जब एग्ज़ाम आए तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद कर सकते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को याद करने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छा सा तरीका आ गया है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन का आंसर था, एक का तो मैंने दे दिया सेफ गार्ड के बारे में, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सरकार की पॉलिसी है कि वो क्या करें इन इन चीज़ों को बनाए रखने के। जब मैंने पॉलिसी वर्ड बोल दिया तो ऑटोमेटिक ये कहाँ चला जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। यदि मैं पॉलिसी वर्ड यूज़ नहीं करती तो फंडामेंटल राइट्स में भी जा सकता था, या फिर इसमें। लेकिन पॉलिसी है और सरकार की ये तो हमारी ड्यूटी है, हम ये सब करें, लेकिन सरकार को ड्यूटी कहाँ दे रखी है अपने, पार्ट नंबर 4 कहाँ दे रखी है अपने, पार्ट नंबर 4। और जब पॉलिसी वर्ड यूज़ किया तो पार्ट नंबर 4 में सरकार पॉलिसी बनाएगी। जो पार्ट नंबर 4 है DPSP, कहाँ से लिया गया, ये आयरलैंड से, कहाँ लिया गया, आयरलैंड से। कहाँ से कहाँ तक है, 36 से लगा कर 51। ये जो 36 से 51 है ना, ये भी आपने कई बार पढ़ा है, पर ये भी याद नहीं होता है। क्या नहीं होता है, याद नहीं होता है। तो कभी समय मिलेगा तो हम आपको इसको भी याद जरूर करवाएंगे। चलिए, खुश रहिए, आराम से रहिए, सेफ रहिए, घर में रहिए, दूसरों को भी घर में रहने की सलाह दीजिए, और इस घड़ी में देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रयास करें और अपने कर्तव्यों को याद करें। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, बात बुरी हो सकता है क्योंकि सच कड़वा होता है, तो इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर मेरे कोई शब्द आपको बुरे लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं फिर से भी यही कहूँगी कि मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्य को ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।